नमस्कार दोस्तों, मर्म चिकित्सा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बस्ती मर्म, जो कि बेहद महत्वपूर्ण मर्म का बिंदु है और जिसे ऊर्जा का सागर कहा जा सकता है, सी ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का एक समुद्र कहा जा सकता है, जो कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा आदि सभी लगभग अल्टरनेटिव थेरेपीज के जो हमारे साथी हैं उनका पसंदीदा बिंदु है। बस्ती मर्म जो कि एक की संख्या में होता है, स्नायु मर्म कहलाता है और यह आग्नेय बिंदु है यानी अग्नि का कारक है। बॉडी में हीटिंग हीट एनर्जी यानी अग्नि तत्व को बैलेंस करता है और यह सदा प्राण हर मर्म का बिंदु है। यानी इस पर चोट की स्थिति में, इस पर आघात की स्थिति में तुरंत मृत्यु संभव है। तो हम इस महत्वपूर्ण बिंदु की अगर चर्चा करें तो CV6 जो कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा का बिंदु होता है, नाभि से तीन अंगुल नीचे ये बस्ती मर्म, इसको बस्ती मर्म की संज्ञा इसलिए दी गई है, बस्ती का मतलब होता है रहने का स्थान और यहाँ पर हमारा मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यहाँ पर मूत्र आकर के इकट्ठा होता है, यूरिन आकर के इकट्ठा होता है। और इस बिंदु के अगर महत्व की बात करें तो यह हमारी नाभि है। नाभि से ठीक उसके सेंटर में 3 अंगुल नीचे स्थित बिंदु जो कि बस्ती मर्म कहलाता है। अगर हम इसके बाईं ओर स्थित बात करें, ये लेफ्ट साइड है, तो इसको बाईं ओर अगर हम 3 अंगुल छोड़ करके तो पेनक्रियाज यानी क्रोनिक डायबिटीज का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर इसके राइट साइड की हम बात करें तो यह एड्रिनल ग्लैंड्स का बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम नाभि से तीन अंगुल ऊपर की बात करें तो यहां पर CV9 बिंदु होता है जो कि जल तत्व को बैलेंस करता है। यानी ये नाभि है, नाभि से लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड में अगर हम जाएंगे तो पेनक्रियाज का इम्पोर्टेंट बिंदु है, जो कि क्रोनिक डायबिटीज क्यों ना हो उसको कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। अगर इसके राइट साइड में जाते हैं 3 अंगुल तो हम एड्रिनल ग्लैंड्स को एक्टिव करेंगे, बेवजह का भयम हो, डर हो, मन ही मन घबराहट पैदा होती हो। और अगर नाभि से 3 अंगुल ऊपर जो कि CV9 जो कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का एक बिंदु है, तो हम बात करेंगे बस्ती मर्म की, जो कि यिन और यांग यानी गर्मी और ठंडक यानी सूर्य की तपिश, सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो बैलेंस होता है गर्मी और सर्दी का, उसका ये नियमन करता है। यानी यिन को ऊपर की तरफ लेके जाता है, यांग को नीचे की तरफ, दोनों का बैलेंस इस बस्ती मर्म से बनता है। ये नाभि है, नाभि के चारों ओर अगर बॉडी पर समझते हैं, नाभि के चारों ओर ये हमारी नाभि है, नाभि से 3 अंगुल नीचे जाएंगे, यह CV6 मर्म का बिंदु है और इसको दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके अगर इस तरह से सीधे लेटकर
या वज्रासन की स्थिति में बैठ करके, वज्रासन इस तरह से बैठ करके दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे वज्रासन में बैठ करके, और यहां पर प्रेशर करेंगे सांस लेते हुए, फिर छोड़ेंगे। इस तरह से 8 से 10 बार इसको उत्प्रेरित करना चाहिए। और इस वस्ति मर्म को उत्प्रेरित करने से यिन और यांग बैलेंस होता है, यानी अग्नि और जल तत्व बैलेंस होता है। इसे 10 से 15 बार स्टिमुलेट करना चाहिए। अगर 3-3 अंगुल छोड़ करके नाभि के चारों ओर इन चारों बिंदुओं को उत्प्रेरित किया जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम, चाहे अग्नि भरी हुई हो, चाहे जल तत्व बढ़ा हुआ हो, यानी पांचों तत्वों का बैलेंस करने के लिए नाभि के 3-3 अंगुल चारों तरफ, 3 अंगुल ऊपर CV9 जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है, इस साइड में राइट साइड में अगर 3 अंगुल बाहर की तरफ ये बिंदु है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स का महत्वपूर्ण बिंदु है। 3 अंगुल लेफ्ट में जाएंगे पेनक्रियाज का महत्वपूर्ण बिंदु है। 3 अंगुल नीचे जाएंगे वस्ति मर्म या CV6 मर्म बिंदु हम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से कह सकते हैं। तो इस तरह से इस मर्म के बिंदु को उत्प्रेरित करने से खास करके मर्दाना ताकत यानी सेक्सुअल डिजीज अगर हो तो वस्ति मर्म को उत्प्रेरित करें। महिलाओं में यूट्रस से संबंधित या ओवरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो इसको उत्प्रेरित करना चाहिए। किसी भी तरह से किसी भी कारण से कमजोरी आई हो इस बिंदु को उत्प्रेरित करें, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।